बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जी। मैं एक शख्स की जान कैसे बचाई गई है, इसमें गैर मुल्की भी शामिल थे और मुझे काफ़ी हैरत हुई है इस चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर के जो गैर मुल्की वहाँ पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, हुआ कुछ यूँ है जी कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर वगैरह दिखा दूँ। आपने अगर तबूक रीजन का विज़िट किया हुआ है तो आपको बाखूबी इलम होगा। ऐसे इस किस्म के पहाड़ उस इलाके में पाए जाते हैं या ताइफ वाले इलाके में, यानी शुभा वाली साइड पर आप चले जाएँ, वहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने तबूक में वैसे 6 माह से ज़्यादा का टाइम गुजारा हुआ है। अलवज तबूक, अमलज, अलवज दुब्बा वगैरह, तबूक एंड तमाम एरियाज़ में, ठीक है। तो अभी बात यह है जी, ये तबूक रीजन में ही वाक़ पेश आया है, लेकिन ये तबूक से हम जब नीचे आते हैं दुबा वाली साइड के, यानी कि अलवज वाली साइड के ऊपर, उन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में सिलसिला है जी। कुछ नौजवान जिनमें कुछ गैर मुल्की भी शामिल थे, ज़ाहिर सी बात है ख़त्म वगैरह होंगे उनके साथ या ड्राइवर वगैरह होंगे, तो वो इस इलाके में घूमने के लिए गए हुए थे। इस दौरान में दो पहाड़ों के दरमियान में एक ऐसा ही दराज थी, आप बोल रहे कि वो जो चट्टानों के दरमियान में खड़ा होता है, तो वो आपको शायद मैं यहाँ पर साथ में वीडियो क्लिप भी दिखा रहा हूँ मैं, वो एक लड़का उसी में गिर गया और अंदर उसके रह गया, यानी कि उसके बाहर नहीं निकला गया। उसके बाद गैर मुल्कियों ने अपनी मदद की, आपके तहत जो हेल्टी वगैरह होती है आपको पता है सऊदी अरब में, तो उससे पहाड़ तोड़ना शुरू किया और इसको नीचे रस्सी बांध कर बाकायदा एक सैंडविच वगैरह छोटा सा और एक पानी की बोतल पहुंचाई है कि तुम पियो और ये पानी भी पियो, आराम से बैठो, जोर मत लगाना। दिफाल मदनी को कॉल की गई है, हेलीकॉप्टर के ऊपर दिफाल मदनी इस इलाके में पहुंची है। उसके बाद कुछ कार्रवाई की गई है, यानी पहाड़ का जो हिस्सा था जिससे इसको ये नहीं निकल सकता था, उसको काटा गया, बाकायदा तोड़ा गया, उसके बाद इसको बाहर निकाला गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जान बचा ली गई है। तो मुझे ये वीडियो शेयर करने के साथ आपके साथ शेयर करने का सिर्फ मैं यही बोलता हूँ, मकसद ये था कि गैर मुल्की सऊदी अरब के हर इलाके में बसे हुए हैं। हम मदीना से अलवज के लिए सफ़र किया है, मांजू वाली साइड से, उस इलाके का नाम मांजू पहाड़ों के दरमियान में आता है, तो उस छोटे से गांव में मैंने देखा पाकिस्तानी है जी। तो गैर मुल्की हर जगह पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, ऐसे वाकयात होते रहते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।